नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट सागवाड़ा लाइव न्यूज पर। भारत में पहली आपातकालीन हवाई पट्टी महज 40 किलोमीटर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के जालौर बाड़मेर सीमा पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का लोकार्पण। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया लोकार्पण। लागत आधारित लाभकारी मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर 8 सितंबर को धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन के तहत डूंगरपुर जिले में मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरकारी आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बोड़ीगामा में हुई कार्रवाई। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के आदेशों के बाद हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। साबला थाना अधिकारी मनीष खोईवाल मय जाप्ते मौके पर रहे मौजूद, दो लोग हुए गिरफ्तार। गणेश उत्सव को लेकर सागवाड़ा के बाजारों में गणपति मूर्ति खरीदने उमड़ी लोगों की भीड़। कल गणपति स्थापना के बाद 10 दिन तक चलेगा गणेश उत्सव। इधर नहीं सुधर रहे हैं अस्पताल में सफाई के हालात। सागवाड़ा अस्पताल में 4 ठेकेदार हैं, सफाई की व्यवस्था बेकार। बार बार शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रहा अस्पताल प्रशासन को कोई असर। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।